लेबर पार्टी के की स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद भी लेबर पार्टी को एक सीट पर करारी हार मिली। उसे अपनी 37 साल पुरानी लेसेस्टर ईस्ट सीट से हाथ धोना पड़ा है। इस सीट पर किसी और ने नहीं बल्कि गुजराती मूल की 29 साल की शिवानी राजा ने जीत हासिल की है। इसके बाद 10 जुलाई को वह अपने हाथ में भगवत गीता लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंची। इससे उन्होंने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि शिवानी राजा ने कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से लेसेस्टर ईस्ट सीट पर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय मूल के लेबर उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कई मायने में शिवानी की जीत महत्वपूर्ण है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लेसेस्टर ईस्ट 1987 से लेबर का गढ़ रहा है। चुनाव में उन्हें 14,526 वोट मिले हैं, जबकि लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर अग्रवाल 10,100 वोट मिले। संसद में शपथ लेने के तुरंत बाद शिवानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, लेसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज संसद में शपथ लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर सच में गर्व है। गौर करने वाली बात है कि 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के T20 मैच के बाद लेसेस्टर सिटी में भारत हिंदू समुदाय और मुसलमानों के बीच संघर्ष देखने को मिला था। हालिया इतिहास को देखते हुए शिवानी की जीत काफ़ी अहम है। इन तनावों के बीच संसद में उनके चुनाव को एक बड़ी जीत माना जाता है। शिवानी राजा का जन्म 21 जुलाई 1994 में लेसेस्टर के रशी मीड में हुआ था। उनके माता पिता 1970 के दशक में भारत और केन्या से ब्रिटेन आए थे। राजा गुजराती मूल की है। ब्रिटेन चुनाव के दौरान राजा ने अपना काफ़ी समय ब्रिटिश भारतीय मतदाताओं को लुभाने में लगाया था। इन्होंने हैरिक प्राइमरी स्कूल, सोवर वैली कॉलेज, विंगस्टन और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने कॉस्मेटिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री के साथ डिमॉट फेड विश्वविद्यालय में स्नातक किया। 2017 में उन्होंने मिस इंडिया UK ब्यूटी पीजेंट में भाग लिया था, जहां वह सेमीफाइनलिस्ट रही थी। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो इस साल मई में राजा लेसेस्टर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी थी। आम चुनाव के दौरान 14,526 वोटों के साथ बहुमत प्राप्त करने के बाद वह हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई। बता दें, शिवानी के अलावा 27 अन्य भारतीय मूल के सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं। इस चुनाव में सैकड़ों नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद में प्रवेश किया। यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में ऋषि सुनक को करारी हार मिली। नए हाउस ऑफ कॉमन्स में महिलाओं ने इतिहास दर्ज करते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके अपनी उपस्थिति बनाई है। अब तक की सबसे अधिक संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई है। इस बार सदन में 263 महिलाएं पहुंची हैं, जो कि कुल संख्या का लगभग 40% है। यही नहीं, इस बार सबसे अधिक 90 अश्वेत सांसद भी चुनकर सदन में पहुंचे हैं। यह ब्रिटेन की राजनीति में अधिक विविधता और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़े और अहम बदलाव का प्रतीक है। लेबर की भारी जीत चुनाव में जीत के बाद कीर स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आम चुनाव में उनकी लेबर पार्टी ने शानदार जीत अर्ज की है। इस जीत के बाद उन्होंने ब्रिटेन के पूर्ण निर्माण का संकल्प लिया। गौर करने वाली बात है कि लेबर पार्टी ने 650 सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीटों पर जीत अर्जित की है। पिछले चुनाव की तुलना में 211 सीटों का इजाफा किया है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने सिर्फ 121 सीटें जीती है, जो पिछले चुनाव से 250 सीटें कम है। लेबर पार्टी का वोट शेयर 33.7% और कंजर्वेटिव पार्टी का 23.7% था।